नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मई महीने के विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर धार के पास में रेलवे पटरी बिछाने से संबंधित कार्य जो है हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना के अंतर्गत शुरू होना दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छी तस्वीर यह देखने में तो नज़र आ रही है, लेकिन इसकी सच्चाई हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि हम आप सभी को लंबे समय से अपडेट इस बारे में देते आ रहे हैं, छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन के साथ साथ दाहोद इंदौर रेल परियोजना का भी कार्य पश्चिम रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह परियोजना जो है शुरू से ही विभिन्न कारणों की वजह से धीमी गति से चलती रही और अभी भी इसमें रेलवे के द्वारा कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है। रेलवे के जो GM साहब है उनके द्वारा हाल ही में दौरा किया गया और उन्होंने सब कुछ ठीक बताते हुए इस परियोजना के जो कार्य चल रहे हैं उन पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सुरंग का जो कार्य चल रहा है वह जल्दी ही एक महीने के अंदर पूरा किया जा सकता है और वर्ष 2025 में हम लोग धार तक ट्रेन चला देंगे, इंदौर का डेड एंड खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। कई तरह की यह खबरें विभिन्न अखबारों में छपी हुई हैं, लेकिन कुछ ही अखबारों और पोर्टल्स के द्वारा सच बातें आप सभी को बताई जाती है, जिसमें से एक हमारा भी चैनल है। आप सभी जानते हैं हम इस परियोजना की जो अपडेट है उसको बताने के साथ साथ आप सभी को जो तथ्य हैं उनसे अवगत कराते हैं कि किन फैक्ट को मैनिपुलेट करके जो विभिन्न मीडिया के वर्ग हैं वे लोग आप सभी को बता रहे हैं। कार्य चल रहा है लेकिन उसको एकदम अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई पेच इस कार्य में हम जगह जगह पर देखते हैं। सबसे पहली बात, रेलवे के द्वारा जो ओवरब्रिज आदि बनाने का कार्य था वह सबसे अंत में शुरू किया गया। कई महत्वपूर्ण जगहों पर ओवरब्रिज का कार्य हाल ही में शुरू हुआ है और उनको पूरा होने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। गुणावत के पास में ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, साथ ही जो हमारा चौपाटी एरिया है रतलाम रोड वाला, वहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसके भी कार्य अभी शुरू हुए हैं। वहीं एक ब्रिज जो बेटमा महू हाईवे था उस पर भी बनाए जाने के लिए कार्य है, वह अब जाकर शुरू हुआ है और यह गति काफ़ी धीमी है और जो निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग रेलवे के द्वारा की जानी चाहिए थी वह ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। केवल जो खानापूर्ति और आंकड़ेबाजी का कार्य चल रहा है वह किया जा रहा है। आंकड़े की बात निकली है तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं जो सरकारी पोर्टल है CSPM पोर्टल, उसके द्वारा इस परियोजना की डेडलाइन वर्ष 2026 से बढ़ाकर वर्ष 2028 कर दी गई है। यह भी एक रोचक बात है कि जो चुनाव है उसके खत्म होने के जस्ट पश्चात ही इस परियोजना का कार्य खत्म होने की डेडलाइन 2 साल आगे बढ़ा दी गई है और यह निश्चित तौर पर बढ़ेगी ही। हम भी हमारे कई अपडेट्स में आप सभी को बता चुके हैं कि जो धार तक का सेक्शन तो ठीक है, इससे आगे हम बात करें सरदारपुर से झाबुआ का सेक्शन जो है उसको बनाने में अवश्य करके समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी जो सेक्शन है वह गंभीर मुद्दों से होकर गुजर रहा है। एक तो हमारा जो खरमोर सेंचुरी वाला मामला है जिसकी वजह से कई स्तर के सर्वे करवाने के बाद भी रेलवे अलाइनमेंट फाइनल नहीं कर पाई है। दूसरा जो घाट सेक्शन है जहां से होकर झाबुआ की ओर रेल लाइन का निर्माण किया जाना है सरदारपुर से आगे, उस क्षेत्र में भी जो अलाइनमेंट है वह क्लियर नहीं हो पाया है और रेलवे हमें समय समय पर जो जानकारी देती है उसमें अलग अलग फैक्ट बताती है और जो मीडिया है उसमें भी जानकारी निकल कर आती है वह अलग होती है, किसकी बात को हम सही माने यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और इससे नुकसान तो जनता का ही हो रहा है क्योंकि लगातार यह समय आगे बढ़ता जा रहा है। रेलवे के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बता दिया गया कि सागौर से लगा के गुणावत का सेक्शन पूरा हो चुका है, जबकि अभी वहाँ पर चंबल नदी का बड़ा ब्रिज जो है वह पूरा नहीं बना है। तो ऐसे में कैसे उन लोगों के द्वारा ट्रॉली इंस्पेक्शन करके यह ट्रायल कर लिया गया यह समझ के बाहर है। वहीं कई बड़े कार्य सिग्नलिंग से संबंधित और इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित पीथमपुर से सागौर के बीच में बाकी चल रहे हैं। सागौर स्टेशन के प्लेटफार्म का निर्माण नहीं हुआ है, यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाल ही का नजारा है। धार की ओर जाने वाले सेक्शन का यह नज़ारा है गुणावत से धार के बीच का। यहां पर कई पुल पुलिया अधूरे स्तर पर पड़े हुए हैं और इनमें बनने में काफी समय लगेगा, फिर भी रेलवे प्रशासन अपनी बातों पर डटा हुआ है। उनके द्वारा पूर्व में डेडलाइन दी गई थी कि वर्ष 2024 में ट्रेन धार तक चल जाएगी, लेकिन अब यह अधिकारी खुद कह रहे हैं कि वर्ष 2025 में हम ट्रेन धार तक चला
देंगे, क्योंकि जो मुख्य टनल थी पीथमपुर के पास में, उसका भी टनल में ट्रैक डालने से संबंधित टेंडर अभी हाल ही में फ्लोट हुए हैं और उसका कार्य भी साल डेढ़ साल से पहले पूरा होना किसी भी स्थिति में संभव नजर नहीं आ रहा है। वहीं जो नई समस्या जो कि पूर्व में भी आई थी, जो खनिज पदार्थ ट्रैक बिछाने के लिए चाहिए, गिट्टी और मुरम आदि, वह परिवहन करने के लिए रेलवे विभाग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमझेरा से उन्हें जो गिट्टी है वह लाना पड़ रही है, ऐसे में उसकी लागत भी बढ़ रही है। यह कोई नई बात नहीं है, पूर्व में भी इसी तरह के मामले धार स्टेशन के निर्माण के संबंध में निकल कर सामने आ रहे थे। तो यह मामला भी समस्या परे है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए रेलवे और खनिज विभाग के बीच में आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है। पूर्व में टनल सहित जो कार्य थे वो उनको पूरा करने की समय सीमा सितंबर बताई गई थी, लेकिन यह खनिज पदार्थों की उपलब्धता की वजह से यह कार्य अब दिसंबर तक ही पूरे हो पाएंगे। उस पर जो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है कि हमारे जो ओवरब्रिजों के अधूरे होने या उनका निर्माण कार्य देरी से शुरू करने वाली बात है, उसको यदि हम एक तरफ रख दें तो किसी भी स्थिति में धार तक ट्रेन चलाने का जो सपना दिसंबर तक का दिखाया जा रहा है वह पूरा होता नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पर यह कार्य हमारे अगले वर्ष यानी कि 2025 में साफ तौर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह सब बातें बताने का समय हमारे रेलवे विभाग के पास में नहीं है। केवल वे लोग जो जनता को लगातार गुमराह लंबे समय से करते आ रहे हैं, वही कार्य उनके वरिष्ठ अधिकारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को रेलवे इतने हल्के में लेता नजर आ रहा है, जिसकी वानगी हम जो पोर्टल है जहां पर मॉनिटरिंग का कार्य दिखाया जाता है वहां पर देख रहे हैं। इस कार्य की समय सीमा 2 साल बढ़ाकर वर्ष 2028 कर दी गई है और ऐसे में जो सर्वे नया किया जाना है, करमोर बर्ड सेंचुरी के बाहर से ट्रैक निकालने का, वह कब तक शुरू होगा, उसके परिणाम कब तक इम्प्लीमेंट होंगे और कब तक सरदारपुर से झाबुआ के बीच के कार्य की शुरुआत होगी, यह भी एक यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यह परियोजना शुरू से ही अपने जो कार्यशैली है उसको लेकर सवालों के घेरे में रही, समय समय पर केवल जो लीपापोती है रेलवे के द्वारा विभिन्न मौक़ों पर की गई है, ऐसा ही कुछ हाल ही के जनरल मैनेजर साहब के दौरे के पश्चात भी निकलकर सामने आ रहा है। उनके दौरे के कुछ विजुअल से जो निकलकर सामने आए हैं, उनके द्वारा टनल का दौरा किया गया, साथ ही जो पीथमपुर से सागौर का ट्रैक है वह देखा गया उनके द्वारा, लेकिन अधिकारियों से उनके द्वारा यह सवाल नहीं पूछा गया। अधूरे ट्रैक पर वह ट्राली के साथ सेल्फी खिंचाते हुए तो नजर आए, लेकिन यह ट्रैक अधिकारियों के द्वारा अपनी फाइल में पूरा बता दिया गया है और ट्रॉली निरीक्षण करके कंप्लीट भी बता दिया गया है। ऐसे में यह जो सवाल बनता है कि क्यों उनके द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई गई, अधिकारियों से सवाल नहीं पूछा गया कि यह कार्य जो अनकम्प्लीट है उसको पूरा आप लोग कागजों में क्यों बता रहे हैं, इससे गलत मैसेज जो जनता है उनमें जा रहा है। बहरहाल आप सभी को हमने दाहोद इंदौर रेल परियोजना की जो डेडलाइन बढ़ाई गई है और जो कार्य इसके किस स्तर पर चल रहे हैं उनको अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है, जो कि आप दूसरे चैनलों पर नहीं देख पाते हैं। केवल अपडेट ही मिलना सब कुछ नहीं होता है, जो कार्य चल रहे हैं उन पर चिंता व्यक्त करना और अच्छे कार्य यदि हो रहे हैं तो उन पर खुशी जाहिर करना हम सभी का फर्ज बनता है। यह फर्ज हम निभाते रहेंगे जब तक कि हमारा यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता है। और भी अपडेट समय समय पर हम इस परियोजना की लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।